Good morning students, today we are going to start our next chapter that talks about agriculture in India. Introduction. Our country has been an agricultural country since ancient time. About 3/5 of India's population depend on agriculture. हमारे देश को agricultural country कहा जाता है काफ़ी पहले के समय से, यानी राजा महाराजा या उसके भी पहले के समय से हमारे देश को एग्रीकल्चरल कंट्री माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश का पॉपुलेशन का 3/5 हिस्सा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। इट इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक रियरिंग एंड फिशिंग, जिसमें हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक रियरिंग और फिशिंग इंक्लूडेड है। India is suited for agriculture because it has favorable climate, fertile soil, adequate rainfall, which are basic requirements for growing crops. India agriculture के लिहाज से काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्लाइमेट है, यहाँ का soil काफ़ी fertile है, यहाँ पे ज़रूरत के इतनी बारिश होती है जो कि एक अनाज को उपजने के लिए, बड़ा होने के लिए ज़रूरत है। एक अनाज के लिए जितनी मात्रा में क्लाइमेट, सॉइल और रेनफॉल की आवश्यकता होती है वो सब इंडिया में है। क्रॉपिंग सीजन, इंडिया के दो क्रॉपिंग सीजन्स हैं, खरीफ सीजन एंड रबी सीजन। खरीफ सीजन, सीड्स आर शोन इन जून ऑन अराइवल ऑफ मानसून। मानसून के आने टाइम पर, यानी जून के टाइम पर खरीफ के क्रॉप्स को शो किया जाता है, यानी बोया जाता है। द क्रॉप्स आर रेडी टू हार्वेस्ट इन नवंबर, और इन खरीफ क्रॉप्स को नवंबर के महीने में हार्वेस्ट किया जाता है, यानी काटा जाता है। राइस, मीज, कॉटन, मिलेट्स, ग्राउंडनट्स एंड जूट्स आर द मेन क्रॉप्स। रबी सीजन, सीड्स आर शोन इन अक्टूबर और नवंबर। रबी सीजन में बीज को नवंबर या फिर अक्टूबर के महीने में बोया जाता है। द क्रॉप्स आर रेडी टू हार्वेस्ट इन मार्च, और क्रॉप्स को मार्च में काटा जाता है, मार्च या फिर अप्रैल के महीने में। वीट्स, ज्वार, ऑयल सीड्स, टोबैको आर द मेन क्रॉप्स। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, नंबर वन फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स आर ग्रोन टू फीड द पीपल इन द कंट्री। फूड क्रॉप्स को उगाया जाता है ताकि मेनली वो हमारे देश के लोग उस अनाज को खा सकें। फॉर एग्जाम्पल, राइस, वीट, पल्सेस, मेज एंड मिलेट्स, दीज आर द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। अब आप इस मैप के थ्रू देखेंगे कि हमारे देश में राइस, वीट, पल्सेस और मेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जहाँ जहाँ पे R लिखा हुआ है वहाँ पे राइस की खेती होती है, जहाँ पे W लिखा है वहाँ वीट की खेती होती है, जहाँ J लिखा है वहाँ पे ज्वार की खेती होती है, और B वाली जगह पे बाजरे की खेती होती है। राइस, राइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। राइस सबसे इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया के लिए, जो कि वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे जगहों पे पाए जाते हैं। इट ग्रोज वेल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ प्लेंटी ऑफ रेन वाटर। राइस को उगने के लिए अच्छी मात्रा में हॉटनेस और ह्यूमिडिटी चाहिए, और उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी भी चाहिए, यानी रेनफॉल। वीट ग्रोन वेल इन कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। वीट की खेती ठंडे और मॉइस्ट क्लाइमेट में होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आर द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। मिलेट्स इंक्लूड ग्रेन्स लाइक बाजरा, ज्वार एंड रागी। मिलेट्स होते हैं बाजरा, ज्वार और रागी। दे ग्रो इन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। इट ग्रोज इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। मिलेट्स की खेती गर्म और सूखे क्लाइमेट में होती है। पल्सेस रिक्वायर्स ड्राई क्लाइमेट्स टू ग्रो। पल्सेस ड्राई क्लाइमेट में ग्रो करते हैं।
लाइक मूंग, मसूर, उड़द, अरहर, चना आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ विटामिन. एमपी यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान आर द मेन स्टेट्स. नेक्स्ट इज कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स को मोस्टली इसलिए उगाया जाता है ताकि उसे मार्केट में बेचा जा सके और इंडस्ट्रीज में बेचा जा सके. इन चीज़ों को बेचकर वो लोग, हम लोग रॉ मटेरियल्स बेचते हैं और जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं और जो मार्केट का एरिया होता है वो इन सभी चीज़ों से नए नए खाद्य पदार्थ बनाते हैं. कैश क्रॉप्स आर ग्रोन टू बी सोल्ड इन मार्केट एंड यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. कैश क्रॉप्स को उगाया ही जाता है ताकि हम उसे मार्केट में बेच सके या फिर इंडस्ट्रीज में दे सके. शुगर केन, जूट, कॉटन, ऑयल सीड्स आर सम ऑफ द कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया. क्रॉप्स लाइक टी, कॉफी, रबर आर ग्रोन इन लार्ज फार्मर्स एज सिंगल क्रॉप ओनली. सच क्रॉप्स आर कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप्स. कुछ क्रॉप्स होते हैं जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, इनकी खेती काफ़ी बड़े एरिया में होती है, काफ़ी लार्ज एरिया में होती है, जहाँ पे एक सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है. यानी खेत के एक बड़े से हिस्से में केवल टी की खेती होती है, कहीं पर एक बड़े से हिस्से में कॉफ़ी की और कहीं पर एक बड़े से हिस्से में रबड़ की खेती होती है. इन क्रॉप्स को प्लांटेशन क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है. शुगर केन. शुगर केन रिक्वायर्ड फर्टाइल सॉइल, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. शुगर केन को उगने के लिए फर्टाइल सॉइल चाहिए, गर्मी चाहिए और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, और उसी के साथ साथ एडिक्वेट यानी कि सही मात्रा में रेनफॉल यानी कि बारिश भी चाहिए. इट इज़ ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. जूट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन क्रॉप. जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ यूज टू मेक कारपेट्स, बैग, रोप्स, रग्स और गनी बैग्स. इसका इस्तेमाल कारपेट, बैग, रोप्स, रग्स या फिर गनी बैग बनाने में काम आता है. इट इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड उड़ीसा. इट इज़ ग्रोन इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट. ये गर्म और वेट क्लाइमेट में उगाई जाती हैं. कॉटन, ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ फाइबर, ग्रोन्स इन ड्राई एंड वार्म क्लाइमेट इन ब्लैक सॉइल. कॉटन की खेती ब्लैक सॉइल में होती है. इसे द किंग ऑफ फाइबर के नाम से भी जाना जाता है. यही नहीं, ये ड्राई और वार्म क्लाइमेट में उगाई जाती हैं. गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश आर सम ऑफ द कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. ऑयल सीड्स आर यूज्ड फ्रॉम आर सीड्स विथ ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड. ऑयल सीड्स वो सीड्स होती हैं जिससे हम लोग ऑयल को निकाल सकते हैं. ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, लीन सीड्स आर काइंड ऑफ ऑयल सीड्स. वार्म क्लाइमेट विद मॉडरेट रेनफॉल इज रिक्वायर्ड. गर्म क्लाइमेट और साथ ही साथ थोड़ी हल्की बारिश भी ऑयल सीड्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है. टी इज़ मोस्टली ग्रोन इन असम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु. टी की ज़्यादातर खेती असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में होती है. इट इज़ वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना. इंडिया चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया में टी का. इट इज़ ग्रोन इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट. ये हॉट और वेट क्लाइमेट में उगाई जाती हैं. कॉफ़ी इज़ मेड फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स ग्रोन इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. कॉफ़ी बीन्स से बनाई जाती हैं जो कि केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में पाई जाती हैं. इट रिक्वायर्स अ कूल वेदर एंड हैवी रेनफॉल. कॉफ़ी की खेती के लिए ठंडा क्लाइमेट और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल की ज़रूरत होती है. हॉर्टिकल्चर. अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हॉर्टिकल्चर होता क्या है. इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स. हॉर्टिकल्चर में हम लोग फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स उगाते हैं. दे आर ग्रोन टू सेल इन द मार्केट. इन्हें उगाया ही जाता है ताकि इसे मार्केट में बेचा जा सके. दीज क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. आप इसमें देख सकते हैं कहीं पर आपको फ्लावर का फील्ड दिखेगा, कहीं पर
फ्रूट ऑर्चर्ड यानी फ्रूट की खेती मिलेगी और कहीं पे वेजिटेबल्स की खेती मिलेगी। लाइफ स्टॉक रियरिंग, इट इंक्लूड्स कीपिंग एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोस, बुलॉक्स, गोट्स, शिप्स, कैमल्स, मेल्स एंड याक्स फॉर यूज। लाइफ स्टॉक रियरिंग में हम लोग जानवरों को जैसे गाओ, काउ, बफेलो, बुलॉक्स, गोट्स, शिप्स, इन सभी को हम लोग अपने साथ रखते हैं ताकि हम उसका यूज़ कर सकें। ऑल दीज डोमेस्टिक एनिमल्स एक्ट यूजफुल टू अस इन वन और अदर वे। इन सभी का यूज़ अलग अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, काउ गिव्स मिल्क, जैसे गाय हमें मिल्क देती है। बीस्ट्स आर बर्डन, जैसे म्यूल्स या फिर हॉर्सेस का यूज़ हम लोग बर्डन के तौर पर करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचाने के लिए। मीट्स गिविंग एनिमल, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका हम लोग मीट खाते हैं। वुल्स गिविंग एनिमल, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके वुल्स से हम लोग स्वेटर या फिर कपड़ों को बनाते हैं। और इसी तरीके से हर एनिमल का यूज़ अलग अलग ढंग से किया जाता है और इनका ख्याल भी उतने ही अच्छे तरीके से रखा जाता है। फिशिंग, फिशिंग इज ऑफ टू टाइप्स इन इंडिया। इंडिया में फिशिंग दो टाइप्स की है, एक मरीन और एक इनलैंड फिशिंग। इनलैंड फिशिंग इज कैरीड आउट इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, वेयर एज मरीन फिशिंग इज डन इन द सी एंड ओशंस। इनलैंड फिशिंग पॉन्ड या लेक या रिवर्स में होती है, जबकि मरीन फिशिंग समुद्र में या बड़े बड़े महासागरों में की जाती है। मरीन फिशिंग इज कैरीड आउट बाय फिशरमैन ऑफ द स्टेट्स लोकेटेड इन द सी कोस्ट। मरीन फिशिंग मोस्टली आपको आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला और तमिलनाडु की तरफ से होती है, क्योंकि ये सारे स्टेट्स सी कोस्ट पर होते हैं। फिशरमैन कैचेस सार्डिन्स, मैकरल्स, श्रिम्प, रोहू, कतला, प्रॉन्स एंड ट्रॉट्स टू सेल इन लोकल एंड इंडस्ट्रियल मार्केट्स। फिशरमैन काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट मछली पकड़ते हैं, जैसे सार्डिन्स, मैकरल्स, श्रिम्प, रोहू, कतला, प्रॉन्स और ट्रॉट्स, ताकि वो इन्हें लोकली बेच सकें और इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचा जा सके, और इससे काफ़ी अच्छी मात्रा में पैसा भी मिलता है लोगों को। एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेजर्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर फील्ड। इंडियन गवर्नमेंट्स ने काफ़ी सारे मेजर्स लिए हैं ताकि वो फार्मर्स के कंडीशंस को और एग्रीकल्चरल फील्ड को इम्प्रूव कर सके, अच्छे तरीके, अच्छे कंडीशन में ला सके। लेट अस नो सम ऑफ द स्टेप्स, आइए देखते हैं कुछ स्टेप्स जो सरकार द्वारा लिए गए हैं ताकि एग्रीकल्चर का बेटरमेंट हो सके। नंबर वन, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैज़ बीन बिल्ट टू सप्लाई वाटर फॉर इरीगेशन। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स डैम्स का को बनाया गया है ताकि सही मात्रा में पानी का यूज़ हो सके और खेतों में पानी जा सके। बैंक्स हैव बीन ओपनड इन विलेजेस एंड फार फ्लंग एरियाज टू एनेबल फार्मर्स टू गेट लोन। विलेज में और उसके आसपास के एरिया में बैंक्स खोले गए हैं ताकि अगर फार्मर्स को ज़रूरत पड़े तो वो बैंक से लोन भी ले सके। फार्मर्स हैव बीन एजुकेटेड अबाउट द लेटेस्ट टेक्निक्स, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स ETC। फार्मर्स को एजुकेट किया गया है, उन्हें पढ़ाया गया, उन्हें बताया गया है नई नई टेक्निक्स के बारे में, अच्छी क्वालिटी के सीड्स क्या होते हैं उनके बारे में, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सभी चीज़ों की जानकारी फार्मर्स को दी जाती है ताकि वह अपने खेतों का, अपने क्रॉप्स का अच्छे तरीके से ध्यान रख सकें। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू।